17 सेंचुरी में एक जहाज फ्रांस के समंदर में गुजर रहा था, लेकिन वो जहाज अचानक से किसी के साथ वो टकरा जाता है। जहाज में जितने भी सारे लोग थे उनको लगता है कि शायद ये कोई समुद्र का टीला होगा, लेकिन जो जहाज के कप्तान थे उनको कुछ थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि वो फ्रांस से बहुत समंदर के अंदर आ गए थे, तो समंदर के बीच में एक टीला कहाँ से आ सकता है। तो जहाज के कप्तान ने उन सारे लोगों को बोला कि जाके चेक करो। तो सारे लोग जाके जो आप चेक किए तो उनको जो दिखाई दिया तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। 30 फीट से भी ज्यादा लंबा होगा एक विशाल का समुद्री क्रिएचर, जो कि देखने के लिए ऑक्टोपस की तरह दिखाई देता है, और वो अपने पैरों से वो जहाज को पकड़ के रखा है। तो ये बात जब जहाज के कप्तान को पता चलता है तो वो किसी भी तरह वो अपने जहाज को निकाल के वो वापस आ जाते हैं। तो उस जहाज में जितने भी सारे लोग थे उन सबको एक कहानी सुने थे कि समंदर के अंदर में एक शैतान रहता है जिसका नाम है क्रैकेन, और वो कहानी उस दिन रियल साबित हो गया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रैकेन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में रियल में क्रैकेन एग्जिस्ट करता है या ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप सारे लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रैकेन के बारे में 1180 के टाइम में सुना गया था, लेकिन 17 सेंचुरी में रोड्रिगो 20 साल बाद उन्होंने क्रैकेन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किए बोले थे। उन्होंने बोले थे कि क्रैकेन मानव इतिहास का सबसे विशाल और सबसे खतरनाक जानवर है, और वो ज्यादातर नॉर्वे के समंदर में दिखाई देता है, और उसे इंसान के मांस खाना ज्यादा ही पसंद है, और वो शिकार इस प्रकार से करता है ना, उसकी विशालकाय पैरों की मदद से वो समंदर के बीच में चला जाता है, और जब उसी टाइम में जहाज उसके ऊपर गुजरता है तो अपने विशालकाय पैरों की मदद से वो ऐसे ही राउंड राउंड करके घुमाता है। तो ऐसे ही राउंड करके जब घुमाता है तो उस जगह में एक बहुत बड़ा सा बवंडर क्रिएट हो जाता है, और उस बवंडर के नीचे जब जहाज आ जाता है तो वो जहाज उसी टाइम वहां पर फौरन डूब जाता है, और डूबने के बाद उस जहाज में जितने सारे लोग रहते हैं उन सबको वो खा लेता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट को आप बहुत सारे मूवी में भी देखे ही होंगे, जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड इस मूवी में भी दिखाया गया है, और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन चेस्ट इस मूवी में भी दिखाया गया है। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में क्रैकेन के बारे में कुछ अलग बताया गया है। क्रैकेन जो कि टाइटन ओशन और कीटो की बेटा है, और जब इंसान देवताओं को पूजना बंद कर देते हैं तो गॉड ऑफ डार्कनेस हेडिस क्रैकेन को भेजता है लोगों की अपने औकात दिखाने के लिए, और उस क्रैकेन को गॉड ऑफ गॉड ज्यूस के बेटे पर्सियस मेडुसा के सर की मदद से वो क्रैकेन को मार पाया था। इस टाइप कॉन्सेप्ट को आप क्लास ऑफ द टाइटन मूवी में देखे ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या क्रैकेन सच में रियल में एग्जिस्ट करता है। हाँ, क्रैकेन रियल में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन आज के टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रीक माइथोलॉजी में जो क्रैकेन के बारे में बताया गया हो उसे आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो मैं कहानी आपको बोला था उसमें जो क्रैकेन के बारे में बताया गया हो दरअसल क्रैकेन नहीं है, वो एक जायंट स्क्विड मछली है। वो देखने के लिए ऑक्टोपस और कटल फिश की तरह दिखाई देता है। तो आप कमेंट में ये मत बोल देना कि आपने जो शुरुआत में जो स्टोरी बोले थे कि वो झूठ था। वो झूठ नहीं था, वो सच में ऐसा हुआ था, लेकिन वो क्रैकेन नहीं था, वो एक जायंट स्क्विड मछली है। उस टाइम में जायंट स्क्विड मछली को लोगों ने देखे नहीं थे, इसलिए उस मछली को क्रैकेन समझ बैठे। तो आई होप आज का मेरे इस वीडियो से आपको क्रैकेन के बारे में कुछ पता चला। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए टिल देन बाय।